क्या एक महान अवधूत के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री? कौन से कष्ट ने लाल बहादुर शास्त्री को इस अवधूत के दर पर पहुंचा दिया? दोस्तों, बात 1956 की है। तब लाल बहादुर शास्त्री भारत सरकार में रेल मंत्री थे। उस समय उनके करीबी रिश्तेदार अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान थे। उनकी बेटी को सफेद रोग हो गया था। शास्त्री जी का करुणा से भरा हृदय उन पिता पुत्री को लेकर भी व्याकुल रहता था। 1956 में जब वो किसी कार्य से मुंबई गए तो किसी ने उन्हें वहां से कुछ दूर पर रहने वाले एक महान आध्यात्मिक संत अवधूत भगवान नित्यानंद के बारे में बताया, जिनका आश्रम मुंबई के दहीसर चेकनाका से लगभग 45 किलोमीटर दूर गणेशपुरी में स्थित था। शास्त्री जी समय निकालकर कुछ देर के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने उनसे अपने रिश्तेदार की तकलीफ के बारे में बताया। भगवान नित्यानंद ने पीड़ित लड़की को गणेशपुरी के गर्म झरने में 6 दिन स्नान करने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि लड़की पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इस बातचीत के दौरान ही भगवान नित्यानंद ने कुछ देर के लिए शास्त्री जी की आंखों में आंखें मिलाकर देखा और बिना झिझक फैसला सुनाने के अंदाज में कह दिया, आप भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। उस समय वहां मौजूद सभी लोग और खुद शास्त्री जी भी उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। उसके बाद शास्त्री जी ने अवधूत भगवान नित्यानंद के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया और फिर वापस दिल्ली चले आए। उसके बाद शास्त्री जी ने अपने रिश्तेदार और उनकी बेटी को गणेशपुरी भेजा, जहां गर्म झरने में स्नान के बाद पीड़ित लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। यही नहीं, 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद अप्रत्याशित रूप से लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, भगवान नित्यानंद और तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुई उस मुलाकात का जिक्र कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और मशहूर संस्कृत और कन्नड़ विद्वान प्रोफेसर मल्लेपुरम जी वेंकटेश ने किया है। उन्होंने विजयवाणी पत्रिका भाव बालाकू में लिखे आर्टिकल गणेशपुरी नित्यानंद अवधूतारू में इस बात का उल्लेख किया है। इसके अलावा बेला होंगला बेविना कोप्पा आनंदाश्रम के परम पूज्य श्री विजयनंद स्वामी जी द्वारा रचित अवधूत भगवान नित्यानंद ग्रंथ में भी इस बात का जिक्र हुआ है। दोस्तों, अवधूत भगवान नित्यानंद का भारत के सबसे महान संतों में नाम आता है। कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का साक्षात अवतार मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं। अभी भी उनके कुछ ऐसे शिष्य जिंदा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें साक्षात हनुमान जी से बातें करते हुए देखा है। जीवन और मृत्यु उनके हाथ की कठपुतली थे। वो जो सोच लेते थे वो हो जाता था। एक बार वो अपने आश्रम के पास सड़क बनवा रहे थे। इसके लिए पैसे का इंतजाम वो खुद करते थे। काम खत्म होने के बाद वो रोज नए नए नोट मजदूरों को मेहनताना के रूप में देते थे। इस बात की खबर उस जमाने के एक अंग्रेज अफसर को मिल गई। उसने शक करते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया। जब जिले का पुलिस अफसर उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आप पैसे कहां से लाते हो, तो वो एक ऐसे गहरे तालाब के अंदर कूद गए जिसमें एक नहीं बल्कि कई खतरनाक मगरमच्छ रहते थे, और फिर कुछ देर बाद नोटों का बंडल लिए वो बाहर आ गए और पुलिस अफसर से कहा, यहीं से मैं रोज पैसे लेता हूं। भगवान नित्यानंद के इस कदम को देखकर अफसर के पसीने छूट गए। वो उनको प्रणाम करके चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। दोस्तों, शुरू शुरू में जब एयर कंडीशनर आया तो उसमें बहुत तेज आवाज होती थी। एक बार एक एसी को देखकर भगवान नित्यानंद ने एक इंजीनियर साहब से पूछा कि ये एसी इतनी आवाज क्यों करता है। तब इंजीनियर साहब ने कहा कि स्वामी जी, ये मशीन ऐसी है कि इसमें आवाज होगी ही। तब अवधूत नित्यानंद ने एसी को अपने हाथ से छू दिया और उनके छूते ही एसी से आवाज आनी बंद हो गई। बाद में ऐसी तकनीक विकसित हुई जिसमें एसी से आने वाली आवाज करीब करीब खत्म हो गई। एक बार गणेशपुरी में देवी माँ का मंदिर बन रहा था, तब भगवान नित्यानंद ने एक खास जगह पर गर्भगृह बनाने के लिए कहा, लेकिन कुछ लोगों के मन में विचार आया कि मंदिर बिना किसी एक्सपर्ट की गणना के बनवाना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए वो एक ऐसे विद्वान को लेकर आए जो मंदिर ज्यामिति बनाने के एक्सपर्ट थे। उन्होंने 2 दिन के नाप जोख के बाद जिस जगह को गर्भगृह बनाने की जगह बताई, वो बिल्कुल वही जगह निकली जो भगवान नित्यानंद ने बताई थी। दोस्तों, भगवान नित्यानंद कुछ भी कर सकते थे। उनमें मृत को जिंदा कर देने की शक्ति थी। उनसे शक्तिपात प्राप्त कर कई लोग आध्यात्म की परम ऊंचाई को प्राप्त कर चुके हैं। आज के आध्यात्मिक गुरु श्री एम एस आर एम
यानी मधु कर्णनाथ के जीवन में भगवान नित्यानंद का बहुत बड़ा योगदान है। श्री एम का असली नाम मुमताज अली खान था, जिनका जन्म केरल के एक संपन्न मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही साधु संतों को लेकर काफी गंभीर थे। जब वो मात्र 11 साल के थे, तब एक बार वो अपने चाचा के साथ भगवान नित्यानंद के आश्रम पहुंचे। उनके चाचा श्री एम को लेकर जैसे ही उनके सामने पहुंचे, अवधूत नित्यानंद ने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ से श्री एम कराह उठे। रोते रोते श्री एम ने कहा कि मुझे तुरंत यहां से ले चलो। इस थप्पड़ कांड के बाद उनके चाचा भी घबरा गए और श्री एम को लेकर वहां से चले गए। इसके बाद श्री एम फिर कभी वहां नहीं गए। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जब हिमालय में श्री एम को उनके गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी मिले, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी इड़ा नाड़ी को खोलने का अभ्यास करो। कई दिनों के अभ्यास के बाद श्री एम ने अपने गुरु से पूछा कि पिंगला नाड़ी का अभ्यास वो क्यों नहीं करा रहे। तब गुरु ने कहा कि तुम्हारी पिंगला नाड़ी तो बचपन में ही भगवान नित्यानंद ने खोल दी है। तब श्री एम को वो थप्पड़ याद आया। उन्होंने मन ही मन आभार जताया तो उनकी आंखें भर आई। दोस्तों, भगवान नित्यानंद के जन्म के बारे में ठीक ठीक कुछ भी पता नहीं है। कहा जाता है कि 1897 में वो केरल के कोझिकोड जिले के तुनेरी गांव में एक गरीब दंपत्ति चतुर नायर और उन्नी अम्मा को नवजात अवस्था में मिले थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा नाग बरसात ने फन उठाकर उनकी रक्षा कर रहा था। उन्नी अम्मा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और घर ले आई। बच्चे का नाम रामन रखा गया। घर और गाँव के लोग बच्चे को राम पुकारते थे। चतुर नायर और उन्नी अम्मा एक ब्राह्मण ईश्वर अय्यर के घर काम करते थे। बालक राम की गतिविधियों को देखकर ईश्वर अय्यर जान गए कि राम कोई साधारण बच्चा नहीं है। राम के मुख से निकली हर चीज सत्य हो जाती थी। हजारों लोग उनके पास इलाज के लिए आने लगे। जिस रोगी के सर पर वो हाथ फेर देते थे, वो ठीक हो जाता था। बिना शिक्षा पाए उन्हें वेद, वेदांत और सनातन के सभी ग्रंथों का ज्ञान था। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, मराठी, कन्नड़, बांग्ला समेत जिस भाषा में चाहें वो उस भाषा में बोल सकते थे। एक दिन ईश्वर अय्यर के आग्रह पर राम ने उन्हें भगवान सूर्य का देव रूप में दर्शन करवाया। उस दिन अय्यर ने कहा कि बेटे, तुम सबको नित आनंद देते हो, दुनिया तुम्हें नित्यानंद के नाम से पहचानेगी। इसके बाद वो हिमालय में कई वर्ष और काशी में कुछ वर्षों तक रहे। नित्यानंद ने महाराष्ट्र के गणेशपुरी को अपनी लीला स्थली के रूप में चुना। 8 अगस्त 1961 को वो ब्रह्मलीन हो गए। गणेशपुरी में ही उनकी महासमाधि है। गणेशपुरी जाने वाले हर शख्स को आज भी उनकी साक्षात अनुभूति होती है और वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। दोस्तों, गणेशपुरी के भगवान नित्यानंद पर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।